लोकसभा चुनावों के बाद भोपाल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया और चुनावों पर मंथन किया। कांग्रेस ने विकट परिस्थितियों में मजबूती से चुनाव लड़ा, ये मानना है मध्य प्रदेश के कई बड़े नेताओं का। कांग्रेस पार्टी एक बार फिर अगले चुनावों की तैयारियों में जुट जाएगी। मंथन के नाम से एक कार्यक्रम 15 जून से शुरू होगा। इस बैठक में कई वरिष्ठ नेता जुड़े, इसके अलावा दिग्विजय सिंह भी ऑनलाइन इस बैठक में शामिल रहे। वहीं इस बैठक में रहे भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि लगभग 3.5 घंटे समीक्षा बैठक चली। सभी प्रत्याशियों ने अपने एनालिसिस उन्हें दिए हैं। प्रत्याशियों ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की सरकारी मशीनरी का इन चुनावों में जमकर दुरुपयोग किया गया। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए चुनाव का स्तर गिरा देती है। उन्होंने कहा कि धर्म जाति के नाम पर क्षेत्र का बंटवारा करने के कारण इस चुनाव में अहंकार से भरा कैंपेन भी दिखाई दिया। भाषण में किस शब्द का उपयोग किया मैं डबल नहीं कर सकता हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने किस भाषा का उपयोग किया अखबारों की सुर्खियों में है। एक देश का प्रधानमंत्री, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री कितने निम्न शब्दों का उपयोग करते हैं, क्या इस प्रदेश को ये शोभा देता है, इस प्रदेश की इसमें सम्मान बढ़ता है घटता है, ये विचार आपको और प्रदेश की जनता को करना है। जहाँ तक प्रश्न है कि उन्होंने कांग्रेस को क्या कहा, परिवार का क्या कहा, युग पुरुष कौन है, चाहे तो वो नरेंद्र मोदी जी का रोज आरती उतारे, हमें कोई तेजी मती नहीं। वो उनका जुडिक्शन हो सकता है भगवान बनाने का मोदी को, तो वो बना है। पर जो वादे आपने किए आप क्यों नहीं दे पा रहे हो? किसानों के 3100 के धान के दाम क्यों, 2700 के गेहूं के दाम क्यों, 3000 बहनों को 450 के गैस सिलेंडर का क्या हुआ? आपने प्रदेश का इतना सम्मान नहीं रहने दिया कि लोग आपको कर्जा दें। आरबीआई ने आपको रोक लिया, यानी मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है आर्थिक, यानी आरबीआई ये कह रही है कि हम तुम इस लायक नहीं हो कि हम तुम्हें कर्जा देंगे, तुम चौंका नहीं पाओगे वापस, यही है। तो ऐसा प्रदेश बना दिया, इस पर श्वेत पत्र, आर्थिक स्थिति पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को श्वेत पत्र लाना चाहिए। इस सदन में जब सदन तैयार चालू हो, हमारे विधायक इस मामले में पुरजोर कोशिश करेंगे, नेता प्रतिपक्ष करेंगे कि प्रदेश को पता होना चाहिए कि आर्थिक स्थिति क्या है, और जब से मनमोहन भैया बने हैं तब से क्या है। धन्यवाद।